गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारी एक और राइड स्टार्ट हो रही है। सुबह के बज रहे हैं 5:40 और दिन है आज 16th October 2022 और हम लोग निकल रहे हैं भीमाशंकर के लिए। सो गाइस, मिलते हैं हाईवे पे। अभी तो अंधेरा है, कुछ नज़र आएगा भी नहीं। सी यू गाइस ऑन हाईवे। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। वेल, वी आर एट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और हमारा रूट सेम स्टार्ट हो रहा है वहीं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से। यहाँ से नवी मुंबई होते हुए लोनावला एंड देन फिर भीमाशंकर। प्लान है आज शाम तक, रात तक रिटर्न आ जाने का। छत्तीसगढ़ हम लोग गाड़ी 90 के ऊपर लेके नहीं जाने वाले हैं। रास्ते कितने भी अच्छे हो, मैक्सिमम अपना स्पीड 90 होगा, क्योंकि अपनी बर्ड 90 के ऊपर थोड़ा सा हर्ट फील करती है। एंड 90 अपना कंफर्ट जोन भी है। एंड सुबह सुबह सूरज भगवान को भी लगता है गुड मॉर्निंग बोलने का समय आ गया है। वी आर क्रॉसिंग कुर्ला एंड लुक एट सूरज देवता की पहली किरण। वो भी आएंगे थोड़ी देर में, वो भी आ जाएंगे। टाइम 4:30 बता रहा है हमें भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पहुंचने में। तो आई थिंक रुकते हुए कुछ खाते पीते 5:30 टारगेट है 11:30 to 12 तक मंदिर पहुंचने का। नाउ वी आर क्रॉसिंग वासी ब्रिज। समय हो चुका है 6:30। लुक एट द सीनरी। वी आर एट नवी मुंबई और मेन टाउन जो को छोड़ने के बाद रास्ते, ओह रास्तों का नाम लिया ये हाल हो गया कि वरना क्या चुम्बेश्वरी रास्ते हैं। वाटर क्रॉसिंग, तुम इतना जो रास्तों की तारीफ बता रहे थे। ट्रक के दो आगे ट्रक, ट्रक के दो पीछे ट्रक, बोलो कितने ट्रक। सो वी आर हेयर एट पेट्रोल पंप मॉर्निंग में, खापोली रोड में वो पेट्रोल पंप है, वॉशरूम यूज़ करना था। तो यहाँ रुक गए हैं, 60 किलोमीटर अराउंड आ चुके हैं हम लोग। और मैंने ज़ीरो नहीं किया था, अभी मैंने ज़ीरो किया है। यहाँ से निकलेंगे एंड बीच में कहीं ब्रेकफास्ट के रुकेंगे होपफुली लोनावला में, लोनावला का खंडाला, एंड देन वहाँ से फिर आगे डायरेक्ट मंदिर की ओर। टाइम हो रहा है अभी सुबह के 7:10। ओवरऑल सही रहे, सही चल रहा है, अभी मिलते हैं रास्ते पे। Here we go, पेट्रोल पंप से निकलते ही ओहो राइडर सीट ओली जा रही है। और जैसे मैंने बताया पेट्रोल पंप पे कि मैंने ट्रिप मीटर ज़ीरो नहीं किया था घर से निकलते के वक्त, तो मैप से देखा मैंने अराउंड 60 किलोमीटर लोग ट्रैवल कर चुके हैं एंड अभी मैंने ज़ीरो किया है। तो जब भी घर पहुँचेंगे या मंदिर पहुँचेंगे वहाँ से 60 किलोमीटर ऐड कर लेंगे तो अपना एक्यूरेट डिस्टेंस आ जाएगा। सूरज देवता धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं और संडे मॉर्निंग में राइडर्स की बहुत सारी टोलीज निकल रही है, बहुत सारे राइडर्स निकल रहे हैं। टेक्निकली देखा जाए तो ये हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि देवघर में बचपन में ही जा चुका हूँ। त्र्यंबकेश्वर लास्ट वीक में हम गए थे और आज यहाँ जा रहे हैं। तो त्र्यंबकेश्वर राइड का वीडियो जो है वो अपने चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हो। एंड होपफुली मैं इसका भी सेकंड रिटर्न का वीडियो बनाऊंगा। ये ट्रक खराब हुई तो इसने अपना हजार्ड ऑन किया हुआ है, चलो सही है, समझ में आता है। आगे मैं राइडर्स ग्रुप से देख रहा हूँ कि एक राइडर ने हजार्ड ऑन किया हुआ है डे लाइट में, ना फॉग है ना रेनी सीजन है, एटलीस्ट करना तो वहाँ भी नहीं चाहिए, बट ठीक है थोड़ा सा साइड आप विजिबिलिटी कम हो जाती है तो उसमें अपने हजार्ड ऑन कर लिया अपना पूरा बाइक का डायमेंशन बताने के लिए कि आप कहाँ से कहाँ तक आपकी बाइक है एक अप्रॉक्स। बट ऐसा डे लाइट में हजार्ड ऑन करके चलाना स्ट्रेंज।
कैमरा ऑन हुआ है बस इस व्यू के लिए। ये व्यू जो वर्थ है देखना। Look at this range. वहाँ सूरज देवता and then again. और ये जो सामने फ्लाईओवर दिख रहा है इस पे टू व्हीलर थ्री व्हीलर नॉट अलाउड। बाइकर्स आज सुबह से बहुत सारे राइडर्स हमें मिले हैं। बहुत सारे राइडर्स आगे से आगे पीछे दाएं बाएं होकर निकल रहे हैं। मैं भी पुश करूं, बट आई कांट अफोर्ड टू गेट कैरी फॉरवर्ड क्योंकि मुझे मेरा अपना लिमिट पता है। मैं अपने लिमिट से बाइक चलाऊंगा एंड यस अपने डेस्टिनेशन पे अपने डिसाइडेड टाइम से मैं पहुंच भी जाऊंगा। लोनावला की घाटी स्टार्ट हो रही है। ओहो ओहो लीन करने का कंपटीशन हो रहा है। हमें पार्टिसिपेट नहीं करना वैसे। हम सुकून से घाटियों को मजा लेंगे, पहाड़ों को मजा लेंगे और ऊपर जाकर कुछ फोटो भी खिंचवाएंगे। Here we go. आ गए हम लोग लोनावला के ऊपर वाले घाटी पे। Now we are at A1 बड़े वाले and as usual यहाँ पे last time जैसे हमने मिसल पाव ऑर्डर किया है एंड मिसल पाव खाने वाले हैं और साथ में चाय। टाइम हो गया है 8:20, टोटल डिस्टेंस का बस 100 के आसपास किया है। 8:20 हुए हैं, टाइम अप सही है। यहाँ पे अराउंड आधे घंटे का ब्रेक एंड देन फिर नेक्स्ट स्टॉप मंडे। सो अच्छी तेज है, जर्नी भी तक अच्छी है, बाइक भी अच्छी चल रही है। लास्ट टाइम वाला प्रॉब्लम है जो क्या था खाने के बाद ही हुआ था, आई होप वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। एंड पीछे मेरे हाईवे चेहरे का बैंड बजा हुआ है। मौसम बहुत अच्छा है फिर भी चेहरे का बैंड बजा हुआ है, कुछ नहीं कह सकते। चलो मिलते हैं हाईवे पे। Thank you.
सो आफ्टर टेकिंग 30 मिनट ब्रेक, ब्रेकफास्ट हो गया है, पेट पूरा फुल, एक मिसल पाव और एक वड़ा पाव विद चाय, जबरदस्त। और यहाँ से अभी है 99 किलोमीटर मोर, और गूगल आंटी बता रही है 11:30 तक हम पहुँच जाएंगे। टारगेट 12 का तो वैसा भी था, बट विल ट्राई 11:30 से पहले पहुँच जाए। फर्दर अब देखते हैं रास्ते को शायद कैसा साथ मिलता है। नाव आगे से लेफ्ट टर्न लेके MIDC रोड हमें चले जाना है। दिस रोड वी आर इन MIDC एरिया, और क्या रोड है और क्या नज़ारे दिख रहे हैं। डेफिनेटली जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं महाराष्ट्र एक्सप्लोर जरूर करूंगा अब तो, क्योंकि बस मैंने ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए मैं निकला हूँ, दो बार निकला हूँ और दोनों बार मुझे जो सीनरीज मिले हैं, जो खूबसूरती दिखी है महाराष्ट्र की, मेसमराइजिंग, अनबिलीवेबल। यहाँ पहाड़, वहाँ पहाड़, सामने झील लग रहा है। भगवान बसते भी हैं तो कितने अंदर जाके बसते हैं यार, हम इंसान ही है जो भगवान के पास शहर लेके चले जाते हैं। सावधान, पुढे अरुण पुल आहे, वाहने सावकाश चलावा। गॉट इट ब्रो। आगे पुल है, गाड़ी आराम से चलाएं क्योंकि ढाल भी है, स्लोप है, बहुत तेज स्लोप है। क्या वो साइन बोर्ड वाले ब्रो इसी पुल की बात कर रहे थे? काफ़ी पतला पुल है यार, एक साथ दो गाड़ियाँ आ गई फिर तो फंस जाएगी। गूगल आंटी गांव से घुमा रही है, हम लोग घूम रहे हैं, बोल रही है राइट लेने को, अब बोला है तो करना पड़ेगा। और क्या नज़ारे हैं, ये तो एक हिल स्टेशन हो सकता है। मुझे सड़कों पर ध्यान देना होगा, नजारे धूप निकली हुई है पर गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, बिकॉज पूरा खुला हुआ एरिया है एंड हवा जो है ना वो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो इसलिए इतनी धूप में भी गर्मी का एहसास नहीं है। समय हो चुका है 11:13। अराउंड 40 मिनट हमें और लगेंगे पहुंचने में मंदिर। गूगल एंटी की माँ की जय। हम लोग को स्टेट हाईवे से निकाल के गांव के अंदर से लेके आया, जहाँ पे 2 किलोमीटर तक इतना खराब रास्ता है और इस रास्ते पे कोई दिख भी नहीं रहा है, बस बाइक लेके चले जा रहे हैं।
यहाँ पे नेटवर्क नहीं है इसीलिए दूसरा रास्ता एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, बट ठीक है अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 13 किलोमीटर मो के घास के मैदान, पहाड़, नदियाँ, झरने, किन किन चीज़ों के पीछे छुप के बसे हो भोलेनाथ, अब तो दर्शन दे दो। फाइनली एक लेफ्ट टर्न और हम लोग फिर से वापस आ गए हैं स्टेट हाईवे पे। तो यहाँ से भीमाशंकर मंदिर की डिस्टेंस अराउंड 8 किलोमीटर, 15 मिनट लगेंगे पहुँचने में। भीमाशंकर अभ्यारण्य कितना? भीमाशंकर सेंचुरी से होते हुए भीमाशंकर मंदिर की ओर। भीमाशंकर मंदिर नीचे की ओर। सो रीच भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग बिफोर 12 एज एक्सपेक्टेड। राइड अच्छी रही है अभी तक फिलहाल। ऑब्वियस फ्लावर मैंने ले लिए हैं फूल भगवान के लिए एंड होपफुली दर्शन जल्दी हो जाए। मिलते हैं मंदिर से वापस आने के बाद। सो फ्रेंड्स भीमाशंकर दर्शन कंप्लीट, 1 घंटे लाइन में लगने हुए हैं और मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। यहाँ से फिर सेम लंच करना है और घर के लिए निकलना है। 1 घंटे ऑलमोस्ट घर पहुँचने में 7 घंटे लगेंगे अभी और टाइम हो रहा है। समय क्या हो रहा है अभी? समय हो रहा है 2 बजने पर। तो 2 बजे से निकलेंगे, 7 घंटे मतलब मान चलो कि 9 या 10 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। सो मिलते हैं बाइक पे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू appreciate my work, to support my work.